इतनी हरियाली रहती थी पहले गांव में। अच्छा देखो कितना मस्त था, पहले कुआं था तो आज सूख गया था कुआं। पहले के लोग उसी से पानी पिया करते थे और आज देखो कुआं सूख गया है। पहले कितना मीठा हुआ करता था कुएं का पानी, अब कुएं का पानी में तो गंदगी आ गया इसका। ये सब आज के लोगों की वजह से है, उनकी सोच की वजह से, वरना पहले के लोग कितना अच्छा तंदुरुस्त हुआ करते थे। गांव के लोग तो बहुत तंदुरुस्त हुआ करते थे, गांव में बाहर खेलना कूदना। आजकल के लोग तो घर में मोबाइल में टीवी में पूरा सिमट के रह गए हैं। वो तो है भैया, पहले के लोग बहुत अच्छे थे, अब तो पूरा मोबाइल पर सिमट गए। अब पहले के लोग बीमार भी कम हुआ करते थे, तो आज के लोग तो कितना बीमार पड़ रहे हैं, शरीर कमज़ोर हो गया उनका आज। तो गांव के घर वाले कैसे रहते होंगे यार, कितना मज़ा आता होगा ना इन लोग को, कोई खर्चा भी नहीं होता होगा विशेष, और शहर की लाइफ से कितनी शांति है इन लोग की लाइफ। वहाँ 2 बजे 3 बजे 4 बजे तक के हॉर्न बज रहे होते हैं गाड़ियों के, कोई शांति नहीं, दिन भर किचकिच किचकिच हो हल्ला। सही बोल रहे हो, बहुत शांति है गाँव में। हम लोग होटल जाते हैं, वहाँ पे 4 स्टार 5 स्टार होटल, 1 रात का 15,000-20,000। ये लोग बाहर खटिया निकाले, चारपाई निकाले अपने और सो गए अनगिनत स्टार्स होटल के नीचे, अनगिनत सितारों के नीचे। ये आपको पता है ये जो हरियाली है इसके लिए हम लोगों ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया। अच्छा, उसको हम सीड बॉम्ब बोलते हैं, मिट्टी के बीज वाला बम। उस बम में हम वो बम अपने हाथों से बनाते हैं, हमारी कोशिश रहती है कि हम अपने साथ में 10-20-30 वैसे कुछ बम रख के चले, और जहाँ खाली जगह मिलती है वहाँ पे हम उस बम को फेंक देते हैं। वो जो उसमें जो बीज लगे होते हैं वो मिट्टी पे चले जाते हैं। GCI रायपुर रॉयल कैपिटल अपने हर मेंबर को साल भर में 50 बम ऐसे बना के देता है भैया। सीड बम बनाने के लिए आपको थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ा सा पानी और बीज, बस इतने में आपके सीड बॉम्ब तैयार। अपन सीड बॉम्ब बनाते हैं, थोड़ा सा पानी डालिए ना जी। इसको आपको बिल्कुल आटे के जैसे सानना है, ये इतना पानी पर्याप्त है, बीज मिला लेंगे भैया। इसमें मेथी का बीज है, भिंडी का बीज है, लौकी का बीज है, करेले का भी बीज है, कुम्बड़े का भी बीज है, और इसको बिल्कुल दिलेरी के साथ में आपको मिला देना है। सीड बॉम्ब का मसाला तैयार। ये इस तरीके से ये लड्डू बना के रख लेना है। ये तो बनाना बहुत आसान है भैया, तो बहुत ज़्यादा आसान है भैया, प्रकृति कभी भी आपसे ज़्यादा सेक्रीफाइस नहीं कराएगी। ये सीड बॉम्ब हम इसको फेंकते हैं, ये हम जब भी इसको फेंकते हैं ना हम GCI को याद करते हुए फेंकते हैं। अच्छा, ये मेरा पहला बॉम्ब GCI इंडिया के नाम, ये हमारे नेशनल प्रेसिडेंट के लिए, ये हमारे Zone 9 के लिए, ये हमारा रायपुर रॉयल कैपिटल के लिए था जो मैंने फेंका, और ये हमारे प्रेसिडेंट आकाश सुंदरानी के लिए। बाकी जो बॉम्ब है ये हम रास्ते में फेंकेंगे, यहाँ के लिए बाय।